Hello everyone, welcome back to our channel Recipe of the Day. Today we are going to share the perfect and crispy medu vada at home. आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे परफेक्ट मेदू वड़ा बनाएंगे, जैसे कि बाहर का उसका आप यहाँ सुन सकते हैं ये कितना परफेक्टली क्रिस्पी बना है एंड अंदर से ये बहुत ही स्पंजी एंड बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज बताने वाली हूँ, जैसे कि आप घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल मेदू वड़ा बना सकते हैं। ये खाने में जितना ही टेस्टी आपको बनाने में उतना ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, फाइनली चॉप्ड जिंजर, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली एंड फुल हैंड ऑफ करी पत्ता लिया है। सो अब हम इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल को रात भर भिगो के सुबह उसको बहुत ही कम पानी दे के अच्छे से ग्राइंड किया है। परफेक्ट मेदू वड़ा के लिए आपको ग्राइंड करके उसको एटलीस्ट 2 आवर के लिए बाहर रख देना है, जैसे कि वो अच्छे से उड़द दाल फॉर्मेंट हो सके। यहाँ पे मैंने 2.5 कप ऑफ उड़द दाल का मिक्स लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ चावल का मिक्स, जिससे हमारा वड़ा बहुत ही क्रिस्पी एंड बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पे 1 सर्विंग स्पून का चावल का मिक्स दिया है और उसमें हमने डाल दिया है 1/2 कप ऑफ रवा, जिससे कि मेदू वड़ा जो क्रिस्पीनेस आता है बाहर का वो बरकरार रहे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है कुछ खाने का सोडा यानी कुकिंग सोडा। अब उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा ऑलरेडी 2 आवर बाहर रह चुका है उड़द दाल का मिक्स, तो हम वहाँ पे अब ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रखेंगे। अब उसमें हम टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 स्पून ऑफ क्यूमिन सीड एंड उसमें हम डालेंगे 1 स्पून ऑफ अजवाइन, जैसे कि इसका जो फ्लेवर होता है खाने से वो बहुत ही अच्छा आता है एंड ये आपका गैस नहीं करता है अजवाइन, सो आपका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब उसमें हम जो फाइनली चॉप जिंजर ओनियंस एंड जो ग्रीन चिली रखे थे एंड करी लीव्स सब उसमें ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। सो अब हम सबको अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे, जैसे कि खाते टाइम आपको हर बाइट्स में कुछ ना कुछ फ्लेवर मिलता रहे। ओके, चलिए उसको अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। अब मैं आपको 2 ही आसान तरीके से बताऊंगी कैसे आप परफेक्टली दुकानदार वाला मेदू वड़ा बना सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारा बैटर रेडी है, बैटर का मिक्सचर रेडी है। यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर रखा है, अच्छे से ऑयल गरम हो रहा है। आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, जैसे कि आपको मेदू वड़ा हाथ से चिपके ना, सो आप ऐसे हाथ गीला कर दीजिए एंड थोड़ा सा मेदू वड़ा का बैटर लीजिए, अच्छे से इसको गोल स्प्रेड कर लीजिए एंड अंदर अच्छे से एक छोटा सा होल कर लीजिए। हाथ आप जितना क्लीन रख के मेदू वड़ा बनाएंगे उतना ही आपका परफेक्ट मेदू वड़ा बनेगा। सो आप पानी का इस्तेमाल करते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो ये जो परफेक्टली होल नहीं आता है। सो ये बहुत ही सिंपल वे है। आपको ये अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है, इससे आपका परफेक्ट मेदू वड़ा नहीं बन रहा है, मेरे पास आपके लिए और एक आइडिया है जिससे आपका मेदू वड़ा बिल्कुल परफेक्ट सेफ एंड बिल्कुल दुकानदार जैसे बनेगा। सो चलिए पहले ये सारा देख लेते हैं हमारा परफेक्टली बना या नहीं। अच्छे से उसको थोड़ा टाइम के लिए आप फ्राई होते दीजिएगा एंड उसके बाद उसको पलट दीजिएगा। दोनों साइड से मेदू वड़ा को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। ये जब मेदू वड़ा अच्छे से उड़द दाल फॉर्मेट होता है ना, तो मेदू वड़ा परफेक्टली वो मतलब उसका जो फ्लफीनेस होता है वो ऑटोमेटिकली आता है एंड खाने में बहुत मज़ा आता है। सो आप ये प्रोसेस में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको और एक सिंपल प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, जिससे कि आप एक बाउल लीजिए, बाउल के ऊपर थोड़ा सा मेदू वड़ा रखिए, हाथ को अच्छे से थोड़ा धो लीजिए। देखिए ये कितना परफेक्ट दिख रहा है एंड ये अच्छे से परफेक्टली बनेगा भी। सो उसको कढ़ाई में उस जस्ट रख के छोड़ दीजिएगा। सो थोड़ा गीला होगा तो ये ऑटोमेटिक वड़ा निकल जाएगा पानी के अंदर। सो हमारा मेदू वड़ा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बाकी का ये जो बाउल वाला बनाए थे देखते हैं वो कैसा दिखता है। मैंने और एक बाउल वाला यहाँ पे रेडी करी हूँ। बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है, ये तो कोई बच्चा भी बना सकता है। सो पहले मैं भी सोच रही थी इसे कैसे बनाते होंगे। सो ये बहुत ईजी है एंड आपको अच्छे से बन भी जाएगा। बस बीच बीच में आपको कटोरी का जो जिसमें हम बना रहे हैं कटोरी का पिछला हिस्सा थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिएगा, तो ये अच्छे से बड़ा निकल भी जाएगा तेल के अंदर एंड देखिए कितना परफेक्ट एंड सेफ एंड परफेक्टली रेडी है हमारा मेदू वड़ा। आप उसको ऐसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन तक ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी देर रहने के बाद उसका नेचुरल कलर आ जाता है एंड
बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। सो आपको ये मेथड बड़ा ट्राई करना है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे फ्लेवरफुल, क्रिस्पी एंड सॉफ्ट मेथड बड़ा के साथ हमने यहाँ पे कुछ चटनी सर्व की है, जिसका रेसिपी हमने ऑलरेडी शेयर कर चुके हूँ। सो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि परफेक्ट साउथ इंडियन फ्लेवर देता है चटनी के साथ मेथड बड़ा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग विद रेसिपी ऑफ द डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।